हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। जब बिहारी जी ने एक भक्त को दिया 6.5 लाख रुपए, लीला को सुनकर जानकर आपके भी रोम रोम कांप उठेंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे बिहारी जी अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे भगवान सदा अपने भक्त को हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबतों से निकालते हैं। आज का ये लीला भगवान के प्रति आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत कर देगा। आशा है हर दिन के तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लीला कथा सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। लखनऊ में रहने वाले बिहारी जी के एक भक्त थे। वो भक्त मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, लेकिन मन में बहुत बड़ा बड़ा सपना था। वो सदा सोचते कि मेरे पास एक अच्छा सा घर होगा और एक गाड़ी होगा। जब उन्होंने अपने लिए घर बनाया तो उन्होंने सबसे पहले घर में प्रवेश करने से पहले ही बिहारी जी का पूजा पाठ किया और बिहारी जी को दर्शन करने आए। बिहारी जी को दर्शन करने के बाद ही उन्होंने अपने गृह में प्रवेश किया। घर बनाने के कुछ साल बाद उनके मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ। घर में अपना गाड़ी होगा तो बिहारी जी को दर्शन करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हमारा मन करेगा तभी हम अपने गाड़ी को लेकर बिहारी जी को दर्शन कर पाएंगे। एक गाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने एक मारुति 800 खरीदा। उस समय में उस गाड़ी का मोल था 2.5 लाख रुपए। जब बरसों का सपना पूरा हुआ और उन्होंने अपना घर और गाड़ी दोनों ही खरीदा और बना लिया तो परिवार वाले बहुत खुश थे। सब लोगों ने सोचा, चलो नया गाड़ी है तो सबसे पहले वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में ही इनका पूजा देंगे। यही सोचकर वो भक्त अपने परिवार को लेकर वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में आ गए और उन्होंने गाड़ी को मंदिर के बाहर कुछ दूर में लगाया और वो बिहारी जी के मंदिर के अंदर चले गए। उन्होंने पुजारी जी को अपने गाड़ी का चाबी दिया और उनसे कहा कि आप मेरे गाड़ी का पूजा कर दीजिए, क्योंकि अगर बिहारी जी का कृपा ना होता तो कभी भी हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। उनका कृपा हम पर इतना बरसा कि हम घर और गाड़ी दोनों ही खरीद पाए और हमारा बरसों का सपना पूरा हुआ। पुजारी जी भी भक्त के बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्त से कहा, हमारे बिहारी जी ऐसे ही है, वो सदा अपने भक्त के हर मनोवांछा को पूर्ण करते हैं। पुजारी जी ने उनके गाड़ी के चाबी का और गाड़ी का मंदिर से ही पूजा पाठ कर दिया। लेकिन जब वो भक्त गाड़ी के चाबी को लेकर वापस आया तो उसने देखा उसका मारुति 800 चोरी हो गया है। इधर उधर उसने बहुत ढूंढा लेकिन उसका गाड़ी कहीं नहीं था। आज नया गाड़ी चोरी हो गया था। ज़रा आप ही सोचिए, कितने कष्ट से वर्षों का सपना पूरा हुआ था और वो भी 1 मिनट में ही ख़त्म हो गया और उनका गाड़ी चोरी हो गया। अब भगवान पे आस्था रखना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी गाड़ी को ना पाकर भक्त वही बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और बार बार बिहारी जी को याद करने लगे। बिहारी जी को याद करते करते सब परिवार मिलकर फिर से बिहारी जी के मंदिर में गए और बिहारी जी को उस भक्त ने कहा, अरे बिहारी जी, आप तो पहले माखन चोरी किया करते थे, आप चोर हो ये तो हमें पता था, लेकिन माखन के बदले आप गाड़ी भी चुरा लेते हो ये हमें पता नहीं था। आप तो सब कुछ जानते हो, कितने कष्ट से मैंने उस गाड़ी को खरीदा था और आपने वही चुरा लिया, ये आपका कैसा विचार है प्रभु, क्या ऐसा मेरे साथ करना ठीक लगा आपको। सुन लो बिहारी जी, आज मैं वापस जा रहा हूँ घर,
और कभी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। मेरा और तुम्हारा नाता यही टूटता है। यही कहकर जैसे ही वो भक्त जाने लगे तो पुजारी जी ने उनसे कहा, अरे जो बिहारी जी के भक्त होते हैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बिहारी जी सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन वो भक्त ने पुजारी जी से कहा, क्या ठीक करेंगे वो, जो उनको करना था उन्होंने कर लिया, मेरी साल भर की मेहनत सब कुछ मिट्टी में मिला दिया आपके बिहारी जी ने, इसीलिए मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। यही कहकर जब सब परिवार भक्त जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा, अगर आप बिहारी जी से नाराज़ हो तो ठीक है, लेकिन चलो अगर हम बिहारी जी के मंदिर से जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक बार मंदिर का परिक्रमा भी कर लेते हैं, उसके बाद हम मंदिर से निकल जाएंगे। मंदिर का परिक्रमा करने का मन तो भक्त का नहीं था, लेकिन फिर भी सबके बातों को वो टाल भी नहीं पाया, इसीलिए सब लोग मिलकर बिहारी जी के मंदिर को परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा बस खत्म होने ही जा रहा था तभी अचानक से एक बालक आया और उन्होंने उस भक्त के हाथों को पकड़ लिया। उस बालक ने कहा, अरे भक्त सुनो तो ज़रा, तुमने जो बिहारी जी को भोग चढ़ाया था उसका प्रसाद तो लेते जाओ, ये लो तुम्हारा प्रसाद का डब्बा। तब उस भक्त ने उस छोटे से नन्हे से बच्चे से कहा, कैसा प्रसाद, क्या करूं मैं इस प्रसाद को लेकर, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रसाद व्रसाद। तब वो छोटा सा बालक कहता है, अरे बिहारी जी पर नाराज हो ठीक है, लेकिन उनके प्रसाद ने क्या भूल किया, प्रसाद खा लेना, ये तुम लेकर जाओ अपने साथ। उस छोटे से बच्चे की बातों को सुनकर भक्त और प्रसाद लेने से मना नहीं कर पाए और उन्होंने उस प्रसाद के डब्बे को अपने बैग में डाल लिया और सीधा अपने परिवार को लेकर घर वापस आ गए। घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, ऐसे उनका गाड़ी चोरी हो जाएगा ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर पे बहुत से रिश्तेदार भी आए थे जिन्होंने भक्त से कहा, आप चिंता मत कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहकर उन रिश्तेदारों ने भक्त को बहुत समझाया। समझाकर जब वो अपने अपने घर वापस जाने वाले थे तभी भक्त ने अचानक से उनसे कहा, अरे रुको, घर जाने से पहले बिहारी जी का प्रसाद तो लेते जाओ, वो प्रसाद का डिब्बा तो मेरे बैग में ही है, मैंने अभी तक निकाला ही नहीं, तुम थोड़ा बैठो मैं अभी लेकर आता हूँ। यही कहकर भक्त जब अपने बैग से उस प्रसाद के डब्बे को लेकर आए और अपने रिश्तेदारों को देने के लिए उन्होंने डब्बा खोला तो चमत्कार ही चमत्कार हो गया। उस डब्बे के अंदर प्रसाद नहीं, 6,50,000 रुपए रखा हुआ था, जिसे देखकर परिवार सहित सारे रिश्तेदार हैरान और चौंकित हो गए। उस भक्त ने जो गाड़ी खरीदा था वो 2.5 लाख का था, लेकिन बिहारी जी ने अपने भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए उन्हें दुगना से ज़्यादा रुपए दे दिया। और ऐसे होते हैं हमारे बिहारी जी, अपने भक्त पर सदा ही बिहारी जी का कृपा ऐसे ही बरसता रहता है, वो कभी भी अपने भक्त को कोई भी कष्ट में नहीं देख सकते, इसीलिए वो सदा ही भक्त का मदद करते हैं और उन्हें हर मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। सब मिलकर बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, हमारी लाडो प्यारी की जय। अब आप बताइए आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा हर रोज़ सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।